हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक ईयर व मुक्त विद्यालय मार्च 2017 में परीक्षाएं प्रदेश भर में 7 मार्च 2018 से दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक पहली बार एक ही सत्र में संचालित होने जा रही है तथा इन परीक्षाओं में अनुमानित 8,19,157 परीक्षार्थी प्रविष्ट हो रहे हैं। ये परीक्षाएं 3 अप्रैल 2018 तक चलेंगी। ये जानकारी बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने बोर्ड मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधित करते हुए दी। उससे बोर्ड को भी सुविधा रहेगी और विद्यार्थियों को सुविधा रहेगी और जो हमारे नियमित पाठक 9वीं 11वीं के विद्यार्थी हैं जिन अध्यापकों ने ड्यूटी देनी है, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं मॉर्निंग सेशन में होंगी और बोर्ड की परीक्षाएं इवनिंग सेशन में होंगी, इस कारण से ऐसा परिवर्तन किया गया। सर नया शेड्यूल थोड़ा बता दीजिए। बताया सर जी, 12 से 12:30। अच्छा क्या हाँ, इस बार जो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं मॉर्निंग सेशन में होंगी, स्कूलों में जो समय होता है उस हिसाब से उनकी 2.5 घंटे की परीक्षा होती है तो 9 से 11:30 तक रहेंगी और बोर्ड की परीक्षाएं 12:30 से 3:30 बजे तक परीक्षाएं रहेंगी।